दर्द मिला के मजदूर का बहुत बड़ा नाम मैं दावत के नाम के नाम खालिद अली का बहुत और सच के हमारे नसीब आए बहुत सारे सारे اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سب سے پہلے تو میں مہمان اعظم بلٹن کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اردو کو یہاں زندہ رکھا ہوا ہے اور جیسا کہ نام صاحب فرماتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد سارے یہاں میں ہوں ہمارے جو باقی ہے تو یہ جو مہمان اعظم بلٹن نے نام ملا رکھا ہے में आप लोगों को बहुत अपनी नई नस्ल को जो आप उर्दू सिखा रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और आप सब के और हम सब के फायदेमंद है। इससे पहले कि मैं अपनी नजर पेश करूं, आवाज आ रही है आपके साथ बहुत ज्यादा, इससे पहले कि मैं नजर पेश करूं एक पैगाम आपके बातों से आज मुझे भी कहना है, बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू के जानने वालों से आज मुझे भी कहना है, बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू का हिंदुस्तानी है, उर्दू का पाकिस्तानी है, उर्दू की तरह कोई नहीं करके जानी पहचानी है। बस बच्चों का काम नहीं, कुछ काम हमें भी करना है, बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू का इलाहाबादी है, उर्दू का हैदराबादी है, उर्दू का इलाहाबादी है, उर्दू का हैदराबादी है। उर्दू तो मीठी मीठी है, उर्दू तो सीधी खाती है, उर्दू हर की बेटी है, उर्दू का घर का कहना है, बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। और उर्दू है बोली दशक की, उर्दू है बोली हजर की, उर्दू है बोली दशक की, उर्दू है बोली हजर की। उर्दू बोली हमारों की जागीर नहीं, सरदारों की ये बोली है, सरकारों की सरदारों और अहमानों की ये बोली है, चौराहों की पत्थर की चौराहों की। उर्दू है बोली दशक की, उर्दू है बोली हजर की, उर्दू बोली हमारों की जागीर नहीं, सरदारों की ये बोली है, सरकारों की सरदारों और अहमानों की ये बोली है, चौराहों की पगडंडी और चौराहों की, सामने अंदर वालों की, सामने अंदर वालों की, और गोली गोली माओं की। उर्दू है हमारी माओ की और ठंडी ठंडी माओ की। उर्दू में बराबर भैया है, उर्दू में सिस्टर बहना है, बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू को जिंदा रहना। अब जनाब सदर की इजाजत अगर हो, मेरी बेगम यहां तशरीफ आई और इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा एजाज से नवाजा है। अल्लाह ताला आपकी मेरी माँ की आपको एजाज से नवाजे। इन्होंने मुझे मंजूर नजर और साहिब के घर का खिताब से नवाजा है। उस पे आप इसको डिजर्व करते हैं नहीं ये बताते, ये तो फैसला आप करें। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूं, तब से मेरा एजाज के मैं साहिब के घर। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूं, तब से मेरा एजाज के मैं साहिब के घर हूं। लेकिन चैनल मेरी मर्जी का कोई कर नहीं सकता, खाना मेरी मर्जी का कोई पक नहीं सकता, फिर भी है मेरे पास के मैं साहिब के घर हूं। जब से मेरी बेगम का मैं मेहमान मेरी मर्जी का कोई आ नहीं सकता, मेहमान मेरी मर्जी का कोई आ नहीं सकता, मैं उनकी इजाजत के बिना जा नहीं सकता। मेहमान मेरी मर्जी का कोई आ नहीं सकता, मैं उनकी इजाजत के बिना जा नहीं सकता, फिर भी है मेरे इजाज के मैं साहिब घर हूं। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूं और मैं फोन आजादी से कहीं कर नहीं सकता, मैं फोन आजादी से कहीं कर नहीं सकता, ईमेल है सकता के बिना पढ़ नहीं सकता, फोन आजादी से कहीं कर नहीं सकता, ईमेल है सेंसर के बिना पढ़ नहीं सकता, फिर भी है ये इलाज के मैं साहिब घर हूं। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूं और आ जाए पड़ोसन
तक खून करेंगे, आ जाए पड़ोसन के बीच तक खून करेंगे, जब तक मैं तेरी गाय मेरे पास नहीं है और खेती पे बहुत देर खड़ा रह नहीं सकता, खेती पे बहुत देर खड़ा रह नहीं सकता, खातून गुजर जाए तो कुछ कह नहीं सकता, फिर भी है मेरे साथ के मैं सारे मेजर हूं, जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर है। शुक्रिया।